motherfuckers. Is MC Stan bigger than Big Boss? मालूम है मेरे को काफी controversial title है और अगर Big Boss की जनता जो regular audience है वो लोग अगर click करेंगे ये video पे तो तुरंत वो लोग hate करने ही आएंगे and they'll be like तुझे idea भी है 16 साल से show चल रहा है और तू बोल रहा है कि MC Stan जो 2-3 साल से कुछ rapping कर रहा है maybe 3 और बोल रहा है कि वो bigger है Big Boss से? I know, see I'm a YouTuber, clicks मिलने के लिए मेरे को करना पड़ता है ये सारी चीजें, come on man. But the closest thing I can do with this title is कि कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रही है क्योंकि मैं बिग बॉस देखता हूँ रोज और जनता के साथ देखता हूँ. लगभग 200-300 लोग जुड़े हुए रहते हैं ट्विच पे, मेरे साथ देखते हैं वो लोग, ठीक है. और अगर तुम्हें भी ज्वाइन करना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. हर रात को मैं 9:45 को आ जाता हूँ. आज संडे है तो फिर आज वाला जो सॉरी आज संडे नहीं आज सैटरडे है तो आज 9 बजे होगा. मैं बस तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ. क्या पहले कभी तुमने देखा होगा कि कोई कंटेस्टेंट को जो भी सेलिब्रिटीज आ रहे अचानक से सब उसकी तारीफ कर रहे, उसके जैसा बात करना चाहते हैं, उसके स्लैंग को अपना रहे. तो बेसिकली कल रणवीर सिंह आया था. रणवीर सिंह आया और रणवीर सिंह तो भाई कितना हिप हॉप को पसंद करता है तुम्हें तो पता ही है. रेड कार्पेट पे बाजीगर बजा दिया था एंड कामभारी को साइन करा है. पता नहीं कामभारी के अभी गाने भी आते हैं क्या, आई डोंट नो, एक्चुअली मैंने नहीं सुने. रणवीर सिंह वॉज लाइक MC Stan पी टाउन रिप्रेजेंटिंग. क्या बोलते बंटा. अब रणवीर सिंह है वो कुछ भी बोलता है, कभी बंटा है कभी बंटा, वो कंप्लीट अलग वीडियो बन सकता है उस पे कि रणवीर सिंह क्या क्या चीजें गलत करता है. बट एक जो चीज उसने सही करी वो उसकी स्टार्टिंग में ही स्टैन को इतना ये कर दिया, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं बोलूंगा, अटेंशन दे दिया एंड दिखा दिया कि यो कम ऑन मैन DHH भाई. और जैसी सांप का कुछ बोला रोहित शेट्टी ने तो बोला कि अरे स्नेक से याद आया स्टैन का हिट गाना है. आई वाज लाइक भाई ये बंदा ऑलरेडी इतना हिट है, बॉलीवुड के लोगों को उसके गानों के नाम याद है, वो क्या करता है याद है. मे बी PR टीम ने जो भी मार्केटिंग टीम है उनने स्क्रिप्ट भेजा होगा. बट भाई वही सेम एपिसोड में विकी कौशल और कियारा भी आई थी, वो कुछ रेडियो वीडियो कर रहे थे. शेमड़ी बोलोगे क्या, ऑल्दो बहुत क्रिंज था वो कि बुबा को एक बार शेमड़ी प्यार से बोल के बात कर लो ना भाई. प्यार से शेमड़ी कौन बोलता है भाई, शेमड़ी प्रियंका को बोलते हैं और तुम बोल रहे हो कि गर्लफ्रेंड को बोल दो, अजीब है. ऑल्दो कियारा इज क्यूट बट वो स्क्रिप्ट बहुत अजीब था भाई कि क्या बोलती पब्लिक ये वो. इतना वॉच टाइम दिया है स्टैन को, तुम्हें ये सोचने को मजबूर नहीं कर रहा कि क्यों भाई. लाइफ के बीच में घर दाने बेच के फिर वाइफ को बेचते, ऐसे कैसे लाइफ को देखते, आके मेरे साइड को बैठते. स्टैन का वोटिंग देख के जो अमाउंट पे वोट्स आते हैं, इतने कंटेस्टेंट्स रहते हैं नॉमिनेशन में एंड 52-55% शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मेरे को जनता बताती है मैं वो बोलता हूँ आके, इतना परसेंट वोट स्टैन को रहता है बस. इमेजिन 4 लोगों में से 50% एक बंदा खा जाता है. इसलिए वोटिंग लाइन ही बंद कर दी इस बार कि भाई बस हो गया भाई, हैंग हो रहा है उठ. इंस्टा पे इतने सारे रील्स वायरल होते हैं स्टैन के. लास्ट टाइम तुमने कौन से कंटेस्टेंट को देखा था जो सोशल मीडिया में इतना वायरल चला गया बिना कुछ करे, बिना कुछ करे. हफ्ते में कितने बार फटता है स्टैन, एक दो बार फट जाता है, एक दो बार कुछ मोमेंट्स हो जाती है और वो रील वायरल चला जाता है. MC स्टैन के इंस्टाग्राम पेज पे जो अब्दू वाला रील है वो 20 मिलियन पे है. 20 मिलियन में कितने जीरो होते पता है, मेरे को नहीं पता, गिन लो भाई. The point is, what the fuck is going on? बिना ज्यादा कुछ contribution दिए इतना तक तो आज तक कोई contestant टिका नहीं है. मैं भी देख रहा हूँ 5-6 सीजन से बिग बॉस, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा. जो भी वायरल चल रहा होता है वो ऐसा बंदा होता है जो डेली बेसिस पे झगड़ा कर रहा हो या अपने मुद्दे रख रहा हो. Stand, don't give a shit, bro. एक बंदी आती है जूम्बा बूम्बा कुछ तो सिखाती है, वैसा नाच नाच के एक्सरसाइज करना रहता है. स्टैन उधर हट रे, मेरे गाने में नाचते लोग, मैं नहीं नाचता, तुम नाचो भाई, वर्कआउट वर्कआउट करो. अंदर जाके साजिद और स्टैन उधर कप विप धो रहे, वो भी दिखा रहे. इतना कुछ पहले नहीं था. पहले जब सेलिब्रिटीज आते थे सब स्टैन को बोलते थे अरे दोगला है, पीठ पीछे बात करता है, दोस्तों के इसमें नहीं वो नहीं ये नहीं. अब सडनली कहां से इतना प्यार आ गया भाई. वायकॉम वूट ये सब बता रहे होंगे कलर्स को कि यार तुम्हें आइडिया भी है कि कितनी जनता बड़ी है, कितना सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, कितना व्यूज आ रहा है MC स्टैन के वजह से. और ये सब के वजह से DHH ही ग्रो हो रहा है. चोटना कम चिल्लाना ज्यादा बज रहा है नेशनल टेलीविजन पे, स्टैनी इनकी माँ चोट डाल बज रहा है नेशनल टेलीविजन पे. हाउ क्रेजी इज दैट. लिटरली मैंने देखा है जब सनी लियोन और कौन वो पता नहीं कौन सा होस्ट है स्प्लिट से लगा, वो लोग जब आए थे वो लोग ने स्टैन को कुछ तो ये वो अर्चना ये कंपेयर कर
करके कुछ तो गलत ही बोल रहे थे। सब लोग आके स्टैन को टारगेट करके कुछ ना कुछ बोल रहे थे। अब सडनली एवरीबॉडी इज लाइक अरे एमसी स्टैन क्या बोलते हैं ममड़ा ममड़ा। एवरीवन इज लाइक सकिंग अप, लिटरली सकिंग अप एमसी स्टैन। क्लक क्लक 9000 भाई। अरे मत डालो प्लीज, ये रेडिट प्लीज नहीं करनी बकचोदी, ठीक है? बट लिटरली यही चल रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ ना, मेन स्ट्रीम ऑडियंस को कोई आइडिया नहीं था कि DHH का जो लॉयल फैन बेस है वो कितना बड़ा है। सब सोच रहे थे कि भाई यार ये क्या भाई कहा, ये मेन स्ट्रीम को टक्कर देगा। कपिल शर्मा शो में बैठे आज यार आज की डेट पे DHH के सारे तो नहीं बोलूंगा बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलर आर्टिस्ट एक एपिसोड में आए और सेपरेट देसी हिप हॉप के लिए एक एपिसोड बनाया। ये कब हुआ है? मूवी प्रमोशन ये सब अलग है भाई। स्टार लोग, सो कॉल्ड हीरो लोग, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि एक्टर लोगों को हीरो की बोलते। जिस बंदे ने या जो आर्टिस्ट ने अपने गानों से अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करके लोगों को इंस्पायर किया है, क्या वो हीरो है या जो स्क्रिप्ट के बेस पे एक्टिंग करता है वो हीरो है? मैं पूछ रहा हूँ, तुम बताओ, कमेंट डाउन। एंड द फन फैक्ट इज ये तो बस शुरुआत है भाई, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है भाई। अब DHH एक छोटा नीश नहीं हुआ, एवरीबडी wants टू hop इन। सबको करना है DHH में कुछ ना कुछ, सबको इन्वॉल्व होना है, मेन स्ट्रीम को समझना है कि ये क्या चीज है यार, कुछ भी बोल देता है ये, वायरल चला जाता है भाई। 80,000 के जूते, कपिल शर्मा बोल रहा था भाई ये 80,000 क्या सीन है भाई, मीम वायरल हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने यूज करा है स्टैन को एक सीरीज प्रमोट करने के लिए। अंडरस्टैंड द मनी ही इज मेकिंग, इट्स क्रेजी ब्रो, इट्स क्रेजी। और फिनाले तक स्टैन रहेगा या फिनाले के एक दिन पहले कुछ निकाल देंगे क्योंकि, बट मुझे लगता है फिनाले तक स्टैन रहेगा। अभी तो फटना शुरू हुआ है थैंक्स टू दैट डुप्लीकेट सलमान खान जो है उधर अंदर, जिसने कल बड़ा अच्छा मिमिक्री किया भाई अर्चना का, क्या नाम है उसका यार, विकास शायद, आई डोंट नो, विशाल या विकास, आई डोंट नो। स्टैनी इनकी मां चोट डाल का एक्चुअल डेफिनेशन अब शुरू हुआ है, अब दिख रहा है, वाओ। एनीवेज मेरे को तुम एक ही चीज बताना, क्या प्रियंका भी तुम्हें उतनी अनोइंग लगती है जितनी मेरे को लगती है? पीस आउट।